हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी बेबीकॉर्न मंचूरियन की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे बेबीकॉर्न लिया है, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये लगभग 100 ग्राम से ब्लैक पेपर पाउडर, कॉर्नस्टार्च फ्राई करने के लिए ऑयल, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये मैंने 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च को थोड़ा सा पानी में मिक्स कर लिया है, कोरिएंडर लीव्स, ऑनियन, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम बेबी कॉर्न को डालेंगे और मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। आपको इसको मिक्स करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, इसमें आपको पानी नहीं मिलाना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। मैंने पहले से तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें एक एक करके बेबी कॉर्न को डाल रही हूँ। आपको इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना चाहिए धीमी आंच पर। देखिए अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। देखिए मैंने बेबी कॉर्न को प्लेट में निकाल लिया है और एक पैन में, उसी पैन में मैं डाल रही हूँ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ एक कैप्सिकम। अब ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स किए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। और अब मैं डाल रही हूँ कॉर्नस्टार्च, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, मिक्स कीजिए। अब आपको इसमें क्रिस्पी बेबी कॉर्न को डालना है और अच्छे से मिला लीजिए। देखिए अब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए बेबी कॉर्न मंचूरियन रेडी है। ये देखने में तो बहुत यमी लग रही है। आप भी इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है 3 स्टार्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।